बैक टू माई चैनल में जैस्मिन। आज मैं आपको टोटीला रैप बनाना सिखाने जा रही हूँ। बहुत आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। गाइस, मेरे सब्सक्राइबर बद्री चौरसिया ने मुझे कमेंट किया था कि मैम टोटीला रैप बनाना सिखाइए, तो चलिए मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, हमने एक रोटी ली है, उसको सेंटर से कट कर लिया है। आपके बच्चे रोटी नहीं खाते हैं, तो जिस तरीके से मैं बना रही हूँ टोटीला रैप, इसी तरीके से आप भी ट्राई करिएगा और बच्चों को खिलाइएगा। बच्चे बहुत ही मज़े से और शौक से खाते हैं। अब रोटी के 1/4 पार्ट में हम पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। देखिए गाइस, अच्छी तरीके से पूरे में आप सॉस लगा लीजिएगा। देखिए, सॉस अच्छी तरह से लगा लिया है। हमने प्याज बारीक काटे थे, वो भी हमने अच्छी तरह सब में सेट कर दिया है, और कैप्सिकम हमने रख दिया है, और हमने पास्ता सॉस भी लगा दिया। देखिए, इस तरीके से आपको लगाना है सारे में ठीक से, अच्छी तरह से। देखिए इस तरीके से, और कैप्सिकम हमें कम लग रहे हैं तो वो भी हम एक्स्ट्रा और डालेंगे थोड़ा सा, और इसको हम अच्छी तरह से पूरे में रखेंगे कैप्सिकम, और इसको अब इसको हम रैप करेंगे। ये हमारा फर्स्ट रैप कंप्लीट हुआ। गाइस देखिए, कितने अच्छे तरीके से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। इस तरीके से आप भी करिएगा। 3 स्पून हम दही लेंगे, इसमें प्याज चॉप करे हुए डालेंगे, और टमाटर हम चॉप करे हुए डालेंगे, और इसमें हम कैप्सिकम चॉप करे हुए डालेंगे, और इसमें चाट मसाला हम छिड़क देंगे, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। फिर हम चपाती लेंगे, उसमें एक साइड हम पिज़्ज़ा सॉस लगा देंगे, अच्छी तरह से हम एक साइड लगा देंगे। वेजिटेबल और दही के मिक्सचर को आप अच्छी तरह से डाल लीजिएगा, और हम चीज़ को भी अच्छी तरह सब में हम सही से रखेंगे। पनीर को एक तरीके से इस तरीके से हम डालेंगे, फिर उसके बाद हम रैप करेंगे। चलिए हम थर्ड बनाते हैं, इसको बिल्कुल पिज़्ज़ा की तरह बनाएंगे। टॉपिंग सॉस लगाएंगे अच्छी तरह से, सब में लगा दीजिएगा, फिर इसके बाद हम पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। पिज़्ज़ा सॉस भी सब में अच्छी तरह से हम लगा देंगे गाइस, क्योंकि ये पिज़्ज़ा की तरह बन रहा है, तो हम प्याज चॉप करे हुए डालेंगे, कैप्सिकम अच्छी तरह से बारीक बारीक कटे हुए हम सारे में डालेंगे, पनीर के छोटे छोटे पीसेस हमने करे हैं, टमाटर के अच्छी तरह से सबको हम भर देंगे, फिर सब में हम चीज़ भी डाल देंगे। अच्छी तरह से चीज़ भर दीजिएगा, कहीं भी खाली ना हो, फिर इसके बाद हम रैप कर देंगे। थर्ड भी कम्प्लीट हो गया। चलिए फोर्थ स्टार्ट करते हैं। रोटी को सेंटर से हमने काट लिया है, और उसके बाद वेजिटेबल और हमने दही का जो मिक्सचर बनाया था उसको अच्छी तरह सारे में डाल देंगे, और ब्लैक पेपर पाउडर हमने सब में छिड़क दिया है, उसको अब रैप करेंगे। देखिए हमारा कंप्लीट हो गया है। अब चलिए सारे रैप को हम अच्छी तरह से एक एक करके सेक लेंगे। आप बटर यूज़ करें, या देसी घी यूज़ करें, या रिफाइन यूज़ करें, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल है वही यूज़ करिएगा। मैं घी यूज़ कर रही हूँ। गाइस, आप ये टोटीला रैप अपनी पसंद के कॉम्बिनेशन से भी बना सकते हैं। जैसे आपके घर में कोई सब्ज़ी पकी हुई हो तो आप उससे भी बना सकते हैं, और अगर चारों टोटीला रैप में से कोई पसंद आई हो और आप ट्राई करें अपने घर में, तो गाइस मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर गाइस मेरी टोटीला रैप की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।